दिस इज मिस्टर वर्चुअल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज एनिमेशन. क्या है एनिमेशन? नहीं नहीं, जो ये कार्टून्स हम देखते हैं सिर्फ उतना नहीं है एनिमेशन. एनिमेशन एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, वर्चुअल यूनिवर्स है, जिसमें लोग अपने विजुलाइजेशंस को, जो सोचते हैं उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आजकल एनिमेशन हर जगह पे दिखता है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो टीवी कमर्शियल्स हो, चाहे वो आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस हो. वी आर जस्ट सराउंडेड बाय एनिमेशन. एनिमेशन का इतना वाइड स्केल एप्लीकेशन होने के बाद भी आवर इंडियन सोसाइटी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस एज अ जॉब प्रेफरेंस और अ करियर ऑप्शन. क्यों है ऐसा? इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एनिमेशन भी एक जॉब या करियर ऑप्शन हो सकता है. एक अच्छा एनिमेटर बनने के लिए सिर्फ थोड़ी क्रिएटिविटी से नहीं होगा, एक अच्छे एनिमेटर में बहुत सारी क्वालिटीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अच्छे ड्राइंग स्किल्स, अच्छे कंप्यूटर स्किल्स एंड बहुत सारे अनगिनत सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज, जैसे एडोबी फोटोशॉप, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, 3DS मैक्स, ऑटोडेस्क माया, जी ब्रश एंड एक्सेट्रा. ऐसे अनगिनत सॉफ्टवेयर है जिनकी नॉलेज एंड उनमें परफेक्शन एक अच्छे एनिमेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप सोच रहे होंगे कि एनिमेशन इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज कितनी है. तो उस चीज़ का आंसर है कि इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है. बाहर की कंट्रीज में जैसे USA, जापान, ऐसी कंट्रीज में एनिमेशन ऑलरेडी एक वेल सेट इंडस्ट्री है एंड हमारी कंट्री इंडिया में ये एक डेवलपिंग फेज में है एंड एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में कुछ सालों में ये एक अच्छे वेल सेट इंडस्ट्री की तरह आगे आ सकती है. तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक बात करते हैं इनकम अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एनिमेशन इंडस्ट्री में इनकम आपकी डिसाइड होती है आपके टैलेंट पे, आपके कैपेबिलिटी पे. तो अगर आप में बहुत टैलेंट है एंड कैपेबिलिटी एंड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एनिमेटर है, तो फिर आपको इनकम के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट. बिकॉज एनिमेशन या चाहे कोई भी काम हो, पैशन के विदाउट उसमें आप एक्सेलेंस नहीं हासिल कर सकते. अगर बात करते हैं एनिमेशन की हिस्ट्री में की, तो फिर एनिमेशन की हिस्ट्री बैकडेट होती है अराउंड 1833 एंड 1900s में फर्स्ट फिल्म जो एनिमेशन की बनाई गई थी वो थी ब्लैकटन नाम के एक पर्सन के थ्रू. तो एनिमेशन की वर्ल्ड में बहुत लेजेंड्स का नाम सुना होगा, जैसे वॉल्ट डिज्नी, चक जोन्स एंड मैनी मोर. इंडियन एनिमेशन का भी ऐसा ही एक स्टार या लेजेंड कह सकते हैं, जो कि है आर के लक्ष्मण. आर के लक्ष्मण इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंडियन एनिमेटर्स टिल डेट एंड ही इज़ considered one of the legends of the Indian animation community. तो चलिए friends, आपको एक दिखाते हैं छोटा सा ग्लांस कि आज जो एनिमेशन इंडस्ट्री है किस लेवल पे पहुंच चुका है, कितना अच्छे क्वालिटी का काम आजकल एनिमेशन इंडस्ट्री में किया जा रहा है. तो अगर आपको भी एनिमेशन में इंटरेस्ट है या आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू एनिमेशन या किसी भी उसके बाय स्ट्रीम्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज डू एनेबल द बेल आइकन सो कि हमारी हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले. सो गाइस, दिस इज मिस्टर वर्चुअल साइनिंग ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल. यू वंस सेड आई विल नेवर वॉक अ way, I'll never sail away, I'll never go. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know, honey, these are
arms that once held you are ready to fight. Once held you are ready to fight.